गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। केजीएफ चैप्टर 2 को देखने के मुताबिक दर्शकों के बीच लगातार बनी हुई है, इसलिए मेकर्स भी फिल्म की शूटिंग जल्द से जल्द पूरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच मेकर्स ने हाल ही में सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया है कि वे जल्द ही यश और संजय दत्त के बीच क्लाइमेक्स सीन को शूट करने जा रहे हैं। मेकर्स ने हाल ही में हैदराबाद शेड्यूल पूरा किया है और इस समय वे यश और संजय दत्त के बीच अंतिम फेस ऑफ सीक्वेंस शूट करने के लिए तैयार हैं। संजय दत्त और यश पहली बार फिल्म में आमने सामने होंगे और मेकर्स ने इसको स्टंट कोरियोग्राफर अंबू और अरिबू को हायर किया है, जो फिल्म के क्लाइमैक्स में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देने वाले हैं। ये बात खुद प्रशांत नील ने बताई है। प्रशांत नील के निर्देशन में बनी इस फिल्म में संजय दत्त और रवीना टंडन भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं में है। रीना देसाई के रूप में श्रीनिधि शेट्टी मुख्य भूमिका में नजर आएंगी, जबकि प्रकाश राज भी ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी का हिस्सा है। संजय दत्त फिल्म में खूंखार विलन अधीरा की भूमिका में नजर आएंगे। इस फिल्म में यश और संजय दत्त को एक दूसरे के साथ मुकाबला करते देखने के लिए फैंस भी बेताब हैं। गाइस, मेकर्स इस फिल्म को अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में रिलीज करने की सोच रहे हैं। पहले ये फिल्म इस साल रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप और लॉकडाउन की वजह से फिल्म की शूटिंग पूरी होने में देरी हुई। फिल्म सही समय पर पूरी ना होने के कारण इसी रिलीज डेट अगले तक के लिए टालना पड़ा। यश और उनकी टीम 8 जनवरी के दिन फिल्म केजीएफ चैप्टर 2 का पहला टीजर रिलीज करने की प्लानिंग कर रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि 8 जनवरी को ऐसा क्या है कि मेकर्स ने इसे चुना है, तो हम आपको बता दें कि इस दिन सुपरस्टार यश का जन्मदिन है और इसी दिन इसका पहला टीजर रिलीज किया जाएगा। सो गाइज, लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड फॉर मोर सच वीडियोस कीप वाचिंग नो बॉर्डर्स। थैंक यू।